हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर 9 मल्टीप्लिकेशन, एंड इन मल्टीप्लिकेशन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स बाय टू डिजिट नंबर्स। ओके, सो लेट्स come to start our topics, multiplication of two digit numbers by two digit number। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आइए example के माध्यम से हम देखते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि multiplication of two digit numbers by two digit। मान लीजिए ये टू डिजिट है, ठीक है, 20 है। अब क्या हुआ, हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन डिजिट हो गया, इसको क्या कहेंगे, वन डिजिट। अगर ये लिख दें टू, तो क्या हो गया, ये जीरो पर वन, कोई भी नंबर लिखे टू डिजिट, वन लिखे तो क्या हो गया, ये टू डिजिट हो गया। तो 20 into 21, ये भी टू डिजिट है और ये भी टू डिजिट है, तो इसी को कहेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स बाय टू डिजिट नंबर। ओके, तो ये 20 है बेटा और ये 21 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पहले यहां इससे शुरू करेंगे, पहले इस नंबर से शुरू करेंगे जो हमारा वंस के प्लेस पे होगा, उस नंबर से शुरू करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 1 into 0 = 0। अब जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। वन से जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, सेम नंबर। 1 into 2 = 2, तो हमारा ये आ गया। अब इससे तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, इससे तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम ये बचा ना, ये अगर रिमेन्स रह गया तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा, जब इससे मल्टीप्लाई करना शुरू किया हम पहले वाले से, तो इसके सामने से लिखना हमने शुरू किया, इसके नीचे से, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 into 0 = 0, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हमने 0 में किया, तो हम इसके सामने लिखेंगे, 2 के सामने, न कि इसके सामने, इसके सामने अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब 2 2 = 4, अब जो 4 आएगा यहाँ आगे बढ़ा कर लिखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0, ठीक है, ये 2, ये 420 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं ऊपर, देखिए यहां पे (32 into 24) चलिए 24 कर दिए हम, ठीक है। देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 = 8, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 वाला शुरू करेंगे, इधर से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से यहां से शुरू करेंगे, यहां 8 होगा, 8 लिखेंगे, ठीक है, 4 2 = 8। अब ये बचा इसमें 4 3 = यहां से आएंगे, यहां 4 3 = 12 आया, 4 3 = 12 हम राइट कर देंगे, टोटल राइट कर देंगे, इसलिए टोटल राइट करेंगे कि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, अगर इसके बाद भी नंबर रहता तो हम यहां पे कैरी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम कैरी नहीं करेंगे, टोटल लिख देंगे।
अब फिर टू से शुरू करेंगे, टू को ये टू टू जा फोर, अभी टू के सामने लिखेंगे टू टू जा, जब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर यहाँ लिखेंगे, अब टू थ्री जा सिक्स यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है, एट प्लस कर देंगे, ये क्या करेंगे जब ये सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम क्या करते हैं इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं एट आएगा, ये टू और फोर कितना होगा सिक्स हो जाएगा, और सिक्स और वन कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा, ओके बेटा, तो सेवन सिक्स एट हमारा आंसर आएगा, ओके। अब आपके मैथ नोटबुक में तो और इजी है सॉल्व करना, इसको देखिए आपके मैथ नोटबुक के अनुसार हम चल रहे हैं, जो मैथ में नोटबुक दिया होता है बेटा ऐसे दिया होता है आपका, ठीक है, ये देखिए इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके मैथ का जो नोटबुक होता है ये इसी प्रकार से होता है, उसमें बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स में राइट करने पे एक स्ट्रिंग, हम ये कहते हैं बेटा कि आप लोग वन नंबर वन बॉक्स में ही राइट करेंगे तभी आप सही लिख पाएंगे, एक नंबर्स को एक बॉक्स में लिखना सीखिए, ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन हमने ए लिख दिया, ए अब हमको मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 13, 12 इंटू 14, चलिए 14 से ये हो गया, अब यहां हमने लाइन बना दिया, ठीक है, सॉरी यहां बना दिया, ठीक है, अब यहां 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 यहां आ गया, 4 वन जा 4, अब वन टू जा वन वन जा, अब यहां नीचे लाइन बनाएंगे, अब इसको प्लस कर देंगे, एट आ गया, एट के सामने एट, फोर टू सिक्स ये वन, देखिए कहीं गड़बड़ हुआ कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, यहां एक बस ये वाली मोटी लाइन थोड़ा सा आ जाएगी और ये वाली नीचे एट वाली इसके नीचे एड कर देंगे, बस दो लाइन सिंपल एकदम क्लीन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, तो हम बॉक्स में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और दो नंबर कभी भी एक बॉक्स में नहीं राइट करेंगे, जब दो नंबर्स एक बॉक्स में राइट करेंगे तो हमारा क्या होगा सिस्टम गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एडिंग गलत हो जाएगी हमारी, ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन गलत हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें एड करना है या इसमें एड करना है, ओके समझ बात आ रही है ना, तो इसलिए आप बॉक्स का अच्छे तरह से प्रयोग करिएगा। तो आइए देखते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई 10 एंड 2 बाय 10, अगर हम किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जानते हैं बहुत इजी है, वो हमारा सेम नंबर आएगा, ओके बेटा, देखिए 23 इंटू 10 इज इक्वल टू 230, देख लीजिए 23 इंटू 10 जीरो जीरो वन थ्री जा थ्री वन टू जा टू, ठीक है, जीरो थ्री टू, ये हमारा आंसर आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे बेटा ये क्या था, स्टैंडर्ड मेथड था, ठीक है। जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे बॉक्स में बताकर स्टैंडर्ड मेथड था, उसको स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं, ठीक है। सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई फाइव, चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई फाइव में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है 13 × 14 इस तरह से दिया जाता है। तो अब हमको टेबल 13 × 14 का तो टेबल 10 टाइम्स याद है, लेकिन 13 टाइम्स कैसे पढ़ेंगे ये इस प्रकार से नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, इसको सिस्टम में लिखेंगे, पहले सिस्टम में अरेंज करेंगे, अरेंज करना सीखेंगे, ठीक है। हम किसी भी क्वेश्चन को पहले सही तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है, ओके बेटा। 14 करेंगे इंटू 14 पहले अरेंज करेंगे, फिर बॉक्स अगर है तो बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बेटर रहेगा, ठीक है। ये देखिए ओके, एक लाख नया और नीचे बना लीजिए, देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, शुरू करिए 3। अब देखिए 13 × 14 है तो 3×4=12, कितना आया 12 आया। ध्यान दीजिएगा 12 जब आएगा तो जब कैरी होगा तो कैरी कर लेंगे, यहाँ 1 ऊपर लाइन कर देंगे, 2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लाइन बना देंगे, ओके कैरी 1। और फिर उसी 4 से अब यहाँ मल्टीप्लाई किए ना, और फिर इसी 4 से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 + 1, देखिए 4 × 4 + 1 ये 1 बचा है, 4 आया ना, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 वाला कंप्लीट हो गया, 4 वाला कंप्लीट। अब 1 से करेंगे तो 1 से जब करेंगे तो 1 के ही सामने लिखेंगे ना, हम 4 से किए तो 4 के सामने से लिखना शुरू किए, 1 से करेंगे तो 1 के सामने से लिखना शुरू करेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जब 1 के से शुरू करेंगे इधर वाले नंबर से तो इसी के सामने से लिखना शुरू करेंगे, 1 × 3 = 1। अब फिर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2 × 5 = 3 = 1, 182, ओके वेरी सिंपल। आप लोग ट्राई करिएगा, लेट्स ट्राई 5 क्वेश्चन करिएगा आप लोग इसको होमवर्क में, बेटा लेट्स ट्राई 5 का एक क्वेश्चन आप लोग करके मेंशन करिएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।